हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम मौलाना मजरूल हक अरबी एंड फारसी यूनिवर्सिटी जो पटना में है, बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 2019-21 का क्वेश्चन है जो कोर्स 3 है, टीचिंग एंड लर्निंग। देखिए इसमें टाइमिंग 3 आवर्स का रहता है, फुल मार्क्स 80 नंबर का रहता है, प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न का उत्तर देना रहता है। देखिए यूनिट 1 में पहला नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। देखिए इसको हम हिंदी में पढ़ दे रहे हैं, अधिगम से क्या समझते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। 2 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। कहने का मतलब है संप्रत्यय विकास क्या है, संप्रत्यय विकास की विशेषताओं की व्याख्या करें। यूनिट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरगेटिंग, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ लर्निंग दैट कैन रिड्यूस फॉरगेटिंग। विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, विस्मरण को दूर करने वाले शिक्षण विधियों का वर्णन करें। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज मोटिवेशन, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब हिंदी में इसको हम पढ़ दे रहे हैं, कहने का मतलब है कि अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर यूनिट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 है, इज टीचिंग ए प्रोफेशनल प्रोफेशन, डिस्क्राइब इट। क्या शिक्षण एक व्यवसाय है, वर्णन करें। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस डिफिकल्टीज फेस बाय ए टीचर इन डाइवर्स क्लासरूम। विविधतापूर्ण कक्षा में एक शिक्षक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यूनिट 4 में क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग लेसन प्लान, पाठ योजना बनाने के चरणों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज ए टीचिंग स्ट्रेटजी, एक्सप्लेन इट। मतलब शिक्षण रणनीति या क्या है, वर्णन करें। यूनिट 5 में क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टीचिंग लेवल, डिस्क्राइब द लेवल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण स्तर का क्या अर्थ है, शिक्षण के सभी स्तरों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फ्लोइंग, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। ए में है रोल प्लेइंग लर्निंग, भूमिका निर्वाहक अधिगम। बी में है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, परियोजना आधारित अधिगम। सी में है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, समस्या आधारित अधिगम। यहीं पे समाप्त होता है, थैंक।